हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर आरके कैटी चैनल। अभी तक आपने एमपी रीऑर्गेनाइजेशन का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख लिया होगा और ये एमपी रीऑर्गेनाइजेशन का पार्ट थर्ड है। आपने पिछले लेक्चर्स में पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था जिसमें मैंने आपको इंडिया के रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था कि इंडिया चार भागों में बटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए का हिस्सा मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश भी चार भागों में बटा हुआ था, पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस इन बरार, पार्ट बी मध्य भारत, पार्ट सी विंध्य प्रदेश एंड पार्ट डी भोपाल स्टेट। मैंने आपको बताया 1947 से 1956 की एमपी का स्टेटस। मैंने आपको पढ़ाया पिछले लेक्चर में 1956 से 2000 तक का स्टेटस। इस लेक्चर में हम बात करेंगे 2000 से लेकर के अब तक का क्या मध्य प्रदेश का शेप और साइज बना। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि हमने वहां पर 1956 में 43 डिस्ट्रिक्ट्स थे, 1972 में दो डिस्ट्रिक्ट और आए, 1998 में 10 डिस्ट्रिक्ट्स और बने, जिसमें हमने बताया था वो कमिटी कौन सी थी 1998 की, वो कमिटी थी बीपी दुबे। फिर सिंहदेव कमिटी आई और फिर एमपी और छत्तीसगढ़ का डिवीजन हुआ था। ये आज जो पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मध्य प्रदेश। इन 1 नवंबर 2000 मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ बोथ वर सेपरेटेड, ये दोनों राज्य अलग हो गए। इसके परिणाम स्वरूप द रिजल्ट वॉज दैट एंड द रिजल्ट इज द 45 डिस्ट्रिक्ट एंड 9 डिविजन्स, 9 संभाग का गठन हुआ। 45 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म एंड 9 डिविजन्स फॉर्म। डिविजन को संभाग कहते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल सकूं। 16 डिस्ट्रिक्ट वर फ्रॉम छत्तीसगढ़। इसीलिए अगर आप बात करें, देखिए दो क्वेश्चन आते हैं कि मध्य प्रदेश एस्टेब्लिश 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाई जाती है, छत्तीसगढ़ की भी स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाई जाती है। स्थापना दिवस मीन टू से एस्टेब्लिशमेंट डे। एमपी एंड छत्तीसगढ़ बोथ सेपरेटेड ऑन 1 नवंबर 2000। ये एक लॉस भी था क्योंकि बहुत जो हैवी स्टील इंडस्ट्रीज थी छत्तीसगढ़ चली गई, बहुत छत्तीसगढ़ मिनरल से रिच है, तो एक हमारे लिए रिसोर्स का लॉस भी था। इससे पहले एमपी भारत में सबसे ज्यादा एरिया वाइज नंबर वन था, लेकिन डिवीजन के बाद एमपी का रैंक कम हो गया एंड एरिया वाइज हमने रैंक हमारी कम हो गई। नाउ नेक्स्ट, तो 1 नवंबर 2000 को मैंने आपको बताया था 45 डिस्ट्रिक्ट थे एंड 15 अगस्त 2003, 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बने, अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। अशोकनगर बना गुना से अलग होकर के, बुरहानपुर वाज फ्रॉम बाय सेपरेटिंग फ्रॉम खंडवा एंड अनूपपुर वाज फ्रॉम बाय सेपरेटेड फ्रॉम शहडोल। तो 3 मोर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, 45 + 3, 48 डिस्ट्रिक्ट्स वर फ्रॉम इन 15 अगस्त 2003। 2003 के बाद फिर से एमपी का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, फिर से गठन हुआ और मई 2008 को 2 और डिस्ट्रिक्ट बने। एक डिस्ट्रिक्ट था अलीराजपुर जो झाबुआ से अलग होकर के बना और दूसरा डिस्ट्रिक्ट था सिंगरौली। सिंगरौली सबसे ईस्टर्न पॉइंट है मध्य प्रदेश का, मैंने आपको पढ़ाया था, और 82.5 डिग्री जो प्रधान आपकी भारत की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो यहां से गुजरती है। सो सिंगरौली वाज फॉर्म बाय सेपरेटेड बाय सीधी। अगस्त 2013 वन मोर डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्म, एक और जिला बना, एक और जिला था अगर मालवा जो साजापुर की तहसील हुआ करता था, साजापुर से अलग होकर के बना। तो अब जिलों की संख्या हो गई 51।
और एक नया क्वेश्चन करंट में पूछा जा सकता है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन मध्य प्रदेश, देयर आर 52 डिस्ट्रिक्ट्स इन मध्य प्रदेश नाउ एंड 52 डिस्ट्रिक्ट वॉज निवाड़ी एंड निवाड़ी वॉज फॉर्म ऑन 31st October 2018 एंड इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम टीकमगढ़, इट वॉज फॉर्म फ्रॉम टीकमगढ़. So now presently there are 52 districts. So we are going to study about the present MP. अभी तक आपने जो पढ़ा है इस लेक्चर पर, हमने पढ़ा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का डिवीजन 1 नवंबर 2000 को हुआ था. उसके बाद 2003 में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म हुई, 2008 में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म हुई थी और 2013 में, और अभी प्रेजेंटली निवाड़ी बना. निवाड़ी वॉज फॉर्म इन 2018, 31st October 2018. नाउ यहां पर अब बात इंपॉर्टेंट यह है कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, अब मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले उन पड़ोसी राज्य को टच करते हैं, क्वेश्चंस आ सकता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे नॉलेजेबल फैक्ट से ये इंपॉर्टेंट जानना चाहिए कि कौन कौन सा जिला किस राज्य को टच कर रहा है. मध्य प्रदेश के पांच पड़ोसी राज्य, मध्य प्रदेश के पांच पड़ोसी राज्य है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़. जो राजस्थान है, राजस्थान में मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान की बाउंड्री को टच करते हैं. सबसे पहला जिला है मुरैना. मुरैना आपका यहां पर लोकेटेड है. श्योपुर नेक्स्ट, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, झाबुआ, साजापुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम एंड झाबुआ. सो देयर आर 10 डिस्ट्रिक्ट्स विच टच द राजस्थान. तो आपको याद रखना है मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, झाबुआ, साजापुर, नीमच, मंदसौर एंड रतलाम. सो देयर आर 10 डिस्ट्रिक्ट्स विच टच द राजस्थान. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट टच गुजरात. देयर आर 2 डिस्ट्रिक्ट्स विच टच और वी शेयर द बाउंड्री, झाबुआ एंड अलीराजपुर. दो जिले टच करते हैं गुजरात में, दो जिले टच करते हैं झाबुआ अलीराजपुर. एंड देन वी टॉक अबाउट द उत्तर प्रदेश. सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है विच स्टेट हैज द मैक्सिमम बाउंड्री शेयरिंग विथ एमपी. सबसे ज्यादा यूपी सीमा मध्य प्रदेश की सीमा को टच करता है और सबसे कम है गुजरात. तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए. अगर सीक्वेंस में पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम यूपी है, सेकेंड नंबर में राजस्थान है, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है. महाराष्ट्र के 9 जिले मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं और छत्तीसगढ़ है 6 जिले. तो यूपी की बात करूं तो यूपी में है दतिया. यूपी दतिया जो है यूपी को टच करता है. भिंड, सिंगरौली, सीधी, सतना एंड रीवा, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर,
अशोकनगर, शिवपुरी, मुरैना एंड निवाड़ी अभी हाल ही में जिला बना। पहले 13 जिले टच करते थे, अब 14 जिले हो गए। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो देयर आर 6 डिस्ट्रिक्ट विच टच द बाउंड्री ऑफ छत्तीसगढ़। सिंगरौली, सहडोल, अनूपपुर, बालाघाट, सीधी एंड डिंडोरी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द महाराष्ट्र, तो देयर आर 9 डिस्ट्रिक्ट्स विच टच द महाराष्ट्र। बालाघाट, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बुरहानपुर, सिवनी, बैतूल एंड छिंदवाड़ा। सो देयर आर 9 डिस्ट्रिक्ट विच टच द बाउंड्री ऑफ महाराष्ट्र। नाउ वी हैव स्टडीड द प्रेजेंट एमपी। अभी तक आपने मध्य प्रदेश के प्रेजेंट के एमपी को पढ़ा जो बाउंड्री शेयर करती हैं। आपको इस वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब कराना है और लाइक और कमेंट जरूर करना है, बिकॉज इट विल रियली अप्रिशिएट माय एफर्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।